أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students, hope all of you are fine. Dear students, today's topic is from class 5th English subject and today we are going to do the exercise of Birbal the Wise. प्यारे बच्चों आप अपनी किताब यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका आप पेज नंबर 15 निकालें और हमने ऑलरेडी ये लेसन जो है बीरबल द वाइज इसका हमने दोनों पार्ट पढ़े. पार्ट फर्स्ट में भी हमने डिटेल्ड में एक पार्ट पढ़ा है, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट भी पढ़ा और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ बीरबल द वाइज विच इज द चैप्टर सेकंड एंड पेज नंबर 15. डियर स्टूडेंट्स आप अगर देखें अपनी किताब में आपका वहां पे पहला क्वेश्चन वहां पे पार्ट फर्स्ट में वहां पे लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पार्ट फर्स्ट है ये और इसका जो क्वेश्चन नंबर वन है हु वाज सूर्य सिंह, हु डिड ही मीट ऑन हिज वे. प्यारे बच्चों इसमें पहले ही जो सवाल है आपको सवाल पढ़ते ही समय ये समझ आ गया होगा कि हु वाज सूर्य सिंह. ये हमने ऑलरेडी आपको बताया कि सूर्य सिंह कौन था. प्यारे बच्चों जो सूर्य सिंह था, सूर्य सिंह वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर. ये आपको जहन में रखना है. आप क्वेश्चन नंबर वन अपनी किताब से जो पेज नंबर 15 पे है वहां पे आप क्वेश्चन लिखेंगे. एक पार्ट क्वेश्चन का ये है हु वाज सूर्य सिंह और का जो नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का हु डिड ही मीट ऑन हिज वे. क्वेश्चन आप यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखेंगे वो अपनी किताब से उठाएंगे, आप क्वेश्चन वहां से उठाएंगे और आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है. आप जब क्वेश्चन लिखेंगे पूरा तो उसके बाद आप आंसर लिखेंगे पहले क्वेश्चन का. जो पहला क्वेश्चन है हु वाज सूर्य सिंह, इसका जो आंसर है सूर्य सिंह वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर. और इसका दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का है हु डिड ही मीट ऑन हिज वे, रास्ते में उसको कौन मिला सूर्य सिंह को. यह आपको समझ आ गया होगा. He met a tired traveler on his way to Delhi. जब वो दिल्ली की तरफ जा रहा था तो सूर्य सिंह को रास्ते में एक ट्रेवलर मिला यानी एक राहगीर मिला जो थका हुआ था, जो ऑन द रोड साइड में बैठा हुआ था. प्यारे बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है हाउ डिड सूर्य सिंह हेल्प द ट्रेवलर. जो सूर्य सिंह था यानी जो प्रिंस ऑफ मणिपुर था उसने कैसे हेल्प की इस ट्रेवलर की, इस राहगीर की जो रास्ते में ऑन द रोड साइड जो बैठा हुआ था, जो बहुत थका हुआ था, बहुत कमजोर भी था. जो ये क्वेश्चन है आपको सवाल का पढ़ते ही ये समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या है. सूर्य सिंह हेल्प्ड द ट्रेवलर बाय आस्किंग हिम टू राइड द हॉर्स. जो सूर्य सिंह था यानी जो किंग ऑफ मणिपुर था, जब उसने इस ट्रेवलर को रास्ते में देखा तो उसने क्या कहा उसको, सूर्य सिंह ने उसकी किस तरह हेल्प की. उसने उसको कहा कि आओ आप मेरे घोड़े के ऊपर बैठ जाओ क्योंकि जो ये प्रिंस ऑफ मणिपुर यानी जो ये राजा सूर्य सिंह था ये घोड़े के ऊपर दिल्ली की तरफ निकला था और रास्ते में इसको यही सूर्य ये ट्रेवलर मिला था. आप जब सूर्य सिंह ने कैसे उसकी हेल्प की, सूर्य सिंह हेल्प्ड द ट्रेवलर बाय आस्किंग हिम टू राइड द हॉर्स. प्यारे बच्चे इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है. क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाई डिड द टू मेन गो टू सेटल द डिस्प्यूट. आप जो सूर्य सिंह ने जब घोड़े पे इस आदमी को बिठाया, इस वीक आदमी को बिठाया तो उसके बाद क्या हुआ, इसने इसकी इस घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया यानी जो सूर्य सिंह का जो घोड़ा था हॉरस था उस पे नीचे उतरने को इस ट्रेवलर ने इनकार कर दिया. तो ये जब उसने इनकार कर दिया तो क्या हुआ, इस मसले को हल करने के लिए जो ये डिस्प्यूट था इसको हल करने के लिए इन्होंने अपना फैसला कहां लिया, यही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर थ्री यही है व्हाई डिड द टू मेन गो टू सेटल द डिस्प्यूट. यानी जो ये दो आदमी थे सूर्य सिंह और जो ट्रेवलर था ये अपने डिस्प्यूट को अपने इस मसले को हल करने के लिए कहां गए. प्यारे बच्चों इसका आंसर है द टू मैन वेंट टू द जज. जज कौन था, बीरबल, टू सेटल द डिस्प्यूट, अपने इस मसले को हल करने के लिए. क्योंकि जो सूर्य सिंह का जो
घोड़ा था, इसको रॉब करने जा रहा था कौन, यानी लूटता था, क्योंकि इसने इसके साथ चीट किया ट्रैवलर ने। एक इस ट्रैवलर इस सूर्य सिंह ने अपने घोड़े के ऊपर इस ट्रैवलर को बिठाया और उसके बरकस भी ट्रैवलर ने बाद में इसको घोड़ा देने से इनकार कर दिया। इसी मसले को हल करने के लिए वो कहां गए, दूर आदमी कहां गए, जज के पास, इस मसले को हल करने के लिए। और अगर आप अपनी किताब पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो पेज नंबर 16 पे है, वहां पे क्वेश्चन है हाउ डिड बीरबल सेटल द डिस्प्यूट, हाउ डिड बीरबल सेटल द डिस्प्यूट, यानी बीरबल ने इन दोनों का जो ये मसला था इसको कैसे हल किया। देखो बच्चों इसमें इसका जवाब क्या आएगा, आप क्वेश्चन इसका भी लिखेंगे अपनी किताब से और आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको गौर से देखेंगे और आराम से लिखेंगे कि इसकी स्पेल भी मिस्टेक ना हो, सही से लिखना। और इसका जो आंसर है दैट इज बीरबल सेटल्ड द डिस्प्यूट बाय आस्किंग देम टू रिकॉग्नाइज द हॉर्स इन द स्टेबल। क्योंकि जब ये दोनों अपने मसले को हल करने के लिए बीरबल के पास गए यानी जज के पास गए, फिर उस बीरबल ने क्या कहा, बीरबल ने इनके मसले को हल करने के लिए क्या किया, इनको कहा कि आप जो ये इनके घोड़े थे इनको स्टेबल में बांधा इस घोड़े को, और उनको कहा आस्किंग देम टू रिकॉग्नाइज द हॉर्स इन द स्टेबल, जो ये घोड़ा था ये स्टेबल में रात को बांधा हुआ था। और बीरबल ने सुबह जब ये दोनों यानी सूर्य सिंह और ट्रैवलर जब बीरबल के पास आए तो बीरबल ने कहा कि आप जाओ और अपने घोड़े को कहां स्टेबल में पहचान करो। फिर क्या हुआ, द ट्रैवलर कुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट हॉर्स, जो ये ट्रैवलर था यानी जो ये राहगीर था जो जिसने रॉब किया था इस हॉर्स को यानी इसको देने से भी इनकार कर रहा था, हा? तो इसका ये घोड़ा था भी नहीं, तो इसलिए क्योंकि वहां पे जो स्टेबल में डिफरेंट कलर्स के हॉर्स थे और डिफरेंट साइज के, यानी जैसा ये घोड़ा था सेम साइज के, सॉरी सेम साइज के यानी इसी साइज के और घोड़े उस स्टेबल में थे और इसी कलर के भी थे। सो जो ट्रैवलर था ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, जो ट्रैवलर था यानी रहगी जो था उसने इन घोड़ों को इन घोड़ों में से अपने इस घोड़े को जो रात को इन्होंने स्टेबल में जज के बीरबल के साथ पास लाया था मसले को हल करने के लिए, इसने उन ट्रैवलर कुड नॉट रिकॉग्नाइज द हॉर्स यानी जो राहगीर था इसने उस घोड़े को नहीं पहचाना। लेकिन बट जो सूर्य सिंह था जो इसका असली ओनर था फाउंड हिम एट वंस, उसने एक ही नजर में इस घोड़े को पहचान लिया। और जो घोड़ा था द हॉर्स टू न्यू सूर्य सिंह, और सूर्य भी जो हॉर्स था वो भी सूर्य सिंह को अच्छी तरह जानता था क्योंकि उसको पता था मेरा ओनर यानी मेरा मालिक असल में सूर्य सिंह है। इसी तरह जो ये डिस्प्यूट था ये हल हो गया। इसका मतलब है हमने आज ये क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा, 2 भी, 3 भी, 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप लिखेंगे किताब पे, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ उसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ये अपनी किताब से नोट करेंगे आप अच्छी तरह से, उसके बाद उसका जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आप अपनी किताब से उतारेंगे और इसका आंसर यहां से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप अपनी किताब से उतारेंगे और इसका आंसर जो यहां से आप कॉपी करेंगे। प्यारे बच्चों आने वाले दूसरे वीडियो में हम इसका पार्ट 2 यानी पार्ट ए हमने किया, पार्ट बी हम इंशाल्लाह आने वाली क्लास में करेंगे। मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।